भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के खिलाफ एक बुजुर्ग महिला ने जमीन पर कब्जा कर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगे इस आरोपों को भाजपा विधायक ने विरोधियों की साजिश बताया। चंद्रपुर के पेपात थाना में एक बुजुर्ग महिला ने पूर्व सरपंच सहित कुछ लोगों पर मारपीट कर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने बबलू के संरक्षण पर इस घटना को अंजाम दिया है। बुजुर्ग महिला पहले भी थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज करा चुकी थी, पर पुलिस प्रशासन ने बताई गई शिकायत के अनुसार मामला दर्ज नहीं किया, जिसकी शिकायत उसने एसपी से की। वहीं इस मामले में भाजपा विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जहां तक आरोपियों को मेरा संरक्षण मिलने की बात है तो ये एकदम गलत बात है। मुझे बदनाम करने के लिए ये सब विरोधियों की साजिश है। वहीं एसपी अमित सांघी ने फिर से महिला के कथन को थाने में दर्ज करने और सबूतों के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विगत दिनों जो किशनगढ़ गांव में एक महिला के साथ मारपीट हुई है, उसमें उस महिला द्वारा बताया गया है कि मेरे लोगों को मेरे संरक्षण में इस घटना को अंजाम दिया गया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि घटना के तुरंत बाद अपराधियों पर मुकदमा कायम हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और एक पोस्ट डली थी कि जो अपराधी था वो भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहा था और उसमें फेसबुक में लिख रहा था कि केवल 2 महीने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बच्चे हैं, उसके बाद निपट लेंगे। तो मैं समझता हूं ये राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उसमें ना कोई रोल है ना कोई सिफारिश है। जिसने घटना की है उसको मुकदमा भी लग गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये पिपट थाने की एक महिला और उनके परिजन आए थे। ये कुछ दिन पूर्व थाना पिपट में एक प्रकरण दर्ज हुआ था मारपीट का। उसके बाद जो आरोपी गण थे उनकी अरेस्टिंग भी हो गई थी, परंतु आज इन्होंने आके ऑफिस में ये आवेदन दिया है कि FIR में जो कंटेंट है, FIR की जो विषय वस्तु है, वो उनके बताए अनुसार पूरी तरह से ढंग से नहीं लिखी गई है। तो इस संबंध में STOP बिजावर को निर्देशित कर दिया गया है कि पुनः इन सभी के कथन करवाएँ और उसके अनुसार और जो एविडेंस अवेलेबल है उसके अनुसार कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।